झुंझुनू के चिड़ाव में 2.5 साल के लंबे इंतजार के बाद फल सब्जी मंडी का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। यह झुंझुनू जिले के पहले सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी होगी। रेलवे स्टेशन के निकट अड़ावता रोड पर अनाज मंडी के पास ही इस नई मंडी स्थापित होने से शहर का विकास भी तेज गति से आगे बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी आमजन को मिलेंगे। जानकारी के अनुसार अगस्त 2017 में इस मंडी का प्रस्ताव पास हुआ था। इसके बाद लाइसेंस साधक फल सब्जी की व्यावसायिक गतिविधियों के नियमों के तहत दुकानें आवंटित भी की गई थी, लेकिन दुकानों का निर्माण नहीं हुआ था। शायद इस निर्माण कार्य मामले में भी राजनीति हावी थी, जिसके कारण व्यापारी परेशान थे, लेकिन अब इन व्यापारियों को बन रही नई दुकानों के कारण जल्द राहत मिल पाएगी। बताया गया है कि इन दुकानों का निर्माण कार्य 3 महीने में पूरा कर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार करीब करीब 4 करोड़ की लागत से 100 से अधिक दुकानों के निर्माण कार्य के लिए मंडी सचिव प्यारेलाल महला ने विधिवत भूमि पूजन का निर्माण कार्य की नींव रखी। इस नई मंडी में पानी बिजली सहित सभी आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था की जाने का कार्य भी किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ दुकानें आरक्षित वर्गों के लिए भी बनाई जाएगी। आपको बता दें कि अब तक फल सब्जी व्यापारी शहर में एक निजी मंडी से व्यापार कर रहे थे। निजी मंडी के कारण व्यापारियों का लाखों रुपये प्रति माह किराया देना पड़ रहा है। वहीं हर हफ्ते मंडी मालिकों की प्रताड़ना का दंश झेलना पड़ता है। वहीं मंडी शहर के अंदर होने के कारण व्यापारियों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अब नई मंडी की स्थापना से शहर में बड़े वाहनों के आवागमन पर अंकुश लगेंगे और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के साथ जान माल का नुकसान भी कम होगा। ये जो कृषि उपज मंडी में सब्जी और फल के लिए जो यार्ड आवंटित हुआ था, ये 2017 में अगस्त 2017 में आवंटन हुआ था। अभी जो है 2 साल होने को जा रहे हैं, अभी इनका निर्माण का समय अवधि ख़त्म हो रही है अगस्त में, तो आज से इसका भूमि पूजन प्रारंभ किया जा रहा है। तो ये निर्माण अभी 2 महीने में पूरा हो जाएगा और भविष्य में सोच ये रहे हैं कि 2 महीने में ये मंडी यहाँ पूर्ण रूप से स्थापित हो जाए। यहाँ 5 ब्लॉकों में दुकानें आवंटित की गई हैं, जिनमें साइज भी अलग अलग है। ABCD 5 ब्लॉक हैं, जिन 5 दुकानों में टोटल 101 दुकानें आवंटित की गई हैं, जिनमें रजिस्ट्रेशन भी है और व्यापारी गण भी हैं और कृषक गण भी हैं। नहीं, समस्या तो कुछ नहीं है, बस अभी निर्माण कार्य के लिए आज ये जो है नियम प्रक्रिया चल रही है, भूमि पूजन हो रहा है।